हम किसी के घर पे स्कूल जला रहे थे, तो हम्म, घर पे चला रहे थे 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू वहीं पे चलाई। वहां पे चलाने के बाद उन्होंने बोला कि हमारे घर का वो खाली करवाना है, तो ऊपर से छत बनानी है, तो उन्होंने बोल दिया कि वहाँ खाली कर दो। फिर 2-3 महीने के बाद 2 महीने से कंटिन्यू हम यहीं पे पढ़ा रहे हैं। 5-7 दिन तो हमने धूप में पढ़ाया, क्योंकि बिना छप्पर के ऐसे ही धूप में। फिर गांव वालों की मदद से थोड़ा कुछ ये बना, उसके बाद से कंटिन्यू क्लास यहीं लग रही है। लेकिन छप्पर के तो बच्चों का लेवल भी बढ़िया है, पिछले 6 महीनों से बच्चों को आ भी काफी कुछ रहा है। लेकिन स्कूल की क्या समस्या है वो प्रशासन ही जाने, क्योंकि इतने नामांकन के बावजूद भी स्कूल में ये है कि 30 पे 1 टीचर होना चाहिए। इतनी से छप्पर में इतने बच्चों को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है, और फिर यहाँ से अप डाउन करना सबसे बड़ी ये दिक्कत रहती है। स्कूटी वहां छोड़नी पड़ती है, फिर वहां से यहाँ पैदल आना पड़ता है, और पानी भी खुद भर के लाना पड़ता है, दरी कुर्सी। आधा घंटा मेरा इस प्रोसेस में लगता है, और घर वाले शिकायत करते हैं कि सारे टीचर सब जो आते हैं 1:30 बजे घर पहुंचते हैं, मैं 2 बजे पहुंचती हूँ। उधर बच्चा भी परेशान है, और कोई पानी वगैरह कुछ नहीं है, होली भी जी बनी नहीं है। स्कूल के बारे में आता जोड़ कर माना सरकार जो सभी को दे सके, तुम्हारा बच्चा परेशान। आप देख रहे हो ये धूप है, ये जाली छावनी क्या हुआ, आप पंखा नहीं चाहे परेशान। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को सरकार दे सकती है तो मेरे आधा जोड़िए, मेरे बच्चों के साथ कर सकती है। तो कोई भी माना सभी तो है, मैं तो बूढ़िया तो मजबूर तो चले जाएंगे, मेरा पोता पोती तो वही परेशान हो रहा। मैंने सड़क बगी रहेंगी आज तक तो अब हुआ नहीं, हमें बन रही हुए तो मेरे को गाड़ी है कोई बिजी है माना ये बच्चा ना पढ़ा होने वास्ते, तो सभी तो कुछ कहीं नहीं है। तो हम मार देखो गरीबान लोग की माना ये अच्छी तरह स्कूल बन जाओ है, तो बूढ़िया आएंगी दिल खुश हो जाएगा। भी आता नहीं कोई भी करता होगा, अभी कर देंगे अभी कर देंगे ऐसे करके, ये 2 साल हो गया है, 2 साल का ये बच्चा की हाल। बीच में तो एक हमारे वो आवास आया हुआ था भाई का, तो वहाँ बच्चा पढ़ रहे थे, उन्होंने अभी सर्दिया मौके उस मौके में प्लास्टर करा रहे हो खाली करवा दिया। अब उसके बाद में अभी यहाँ आके उन्होंने छपरा बनाया, अब ये जिमी कटवानी है, जो पटवारी को कागज दे दिया है, अब वो कोई जवाब दे नहीं दिया। तो कई बार है जो विनती कर रही है, सरकार कोई सुन नहीं रही है। जो भी आए जिसको दो दो चार दिन रहे वो तो चला गया साहब, 2 साल से यहाँ कोई ध्यान नहीं रख रहे साहब। ट्रेनिंग की थी तब नामा कर लगभग समस्या सर दे, आप देख रहा हो इधर बच्चा भी परेशान है, और कोई पानी वगैरह कुछ नहीं है, होली भी जी बनी नहीं है। स्कूल के बारे में आता जोड़ कर माना सरकार जो सभी को दे सके, तुम्हारा बच्चा परेशान आप देख रहे हो। बच्चा के वास्ते स्कूल नहीं बढ़ रही है अच्छी तरह में, माना स्कूल बनानी है तो कोई भी माना सभी तो है, मैं तो बूढ़िया तो मजबूर तो चले जाएंगे, मेरा पोता पोती तो वही परेशान हो रहा। मैंने सड़क बगी रहेंगी आज तक तो अब हुआ नहीं, हमें बन रही हुए तो मेरे को गाड़ी है कोई बिजी है माना ये बच्चा ना पढ़ा होने वास्ते, तो सभी तो कुछ कहीं नहीं है। तो हम मार देखो गरीबान लोग की माना ये अच्छी तरह स्कूल बन जाओ है, तो बूढ़िया आएंगी दिल खुश हो जाएगा। भी आता नहीं कोई भी करता होगा, अभी कर देंगे अभी कर देंगे ऐसे करके, ये 2 साल हो गया है, 2 साल का ये बच्चा की हाल। बीच में तो एक हमारे वो आवास आया हुआ था भाई का, तो वहाँ बच्चा पढ़ रहे थे, उन्होंने अभी सर्दिया मौके उस मौके में प्लास्टर करा रहे हो खाली करवा दिया। अब उसके बाद में अभी यहाँ आके उन्होंने छपरा बनाया, अब ये जिमी कटवानी है, जो पटवारी को कागज दे दिया है, अब वो कोई जवाब दे नहीं दिया। तो कई बार है जो विनती कर रही है, सरकार कोई सुन नहीं रही है। जो भी आए जिसको दो दो चार दिन रहे वो तो चला गया साहब, 2 साल से यहाँ कोई ध्यान नहीं रख रहे साहब। ट्रेनिंग की थी तब नामांकन लगभग 22 के आसपास था, तो 3-4 नामांकन और बढ़ा लिए। तब तक तो हम किसी के घर पे स्कूल चला रहे थे, तो घर पे चला रहे थे 2-3 महीने कंटिन्यू वहीं पे चलाई। वहां पे चलाने के बाद उन्होंने बोला कि हमारे घर का वो खाली करवाना है, तो ऊपर से छत बनानी है, तो उन्होंने बोल दिया कि वहाँ खाली कर दो। फिर 2-3 महीने के बाद 2 महीने से कंटिन्यू हम यहीं पे पढ़ा रहे हैं। 5-7 दिन तो हमने धूप में पढ़ाया, क्योंकि बिना छप्पर के ऐसे ही धूप में। फिर गांव वालों की मदद से थोड़ा कुछ ये बना, उसके बाद से कंटिन्यू क्लास यहीं लग रही है। पानी की मैं अपने घर से बोतल लाती हूँ, एक ही बोतल से काम चलाती हूँ, क्योंकि वापस जाना पड़ता है। बच्चों के लिए मटकी में भर के लाती हूँ आते टाइम, और फिर एक मटकी यहाँ से भर के लाते हैं, फिर इसी से काम हो जाता है और बच्चे अपनी बोतल। पोशार बनता है किसी के घर पे, क्योंकि यहाँ पे लाना दे इतना पानी भी हर चीज की प्रॉब्लम होती है, तो इनको घर भेजते हैं, उनके यहाँ से आधा किलोमीटर दूर घर जाते हैं, फिर वहाँ पे खाना खा के फिर वापस आते हैं। बच्चे शिकायत नहीं करते स्कूल के नाम पे आए थे आप, बच्चे क्या और किसी को शिकायत है बच्चों को, हमको नाम चांदी
क्या समस्या क्या है? समस्या तो वो परेशानियाँ मेरे बच्चा के वास्ते स्कूल नहीं बढ़ रही है। अच्छी तरह में माना स्कूल बनानी है तो कोई भी माना सोभी तो है, मैं तो भूल गया तो मजबूर तो चले जाएंगे, मेरा पोता पोती तो वही परेशान हो रहा, मैंने सड़क वगैरह आज तक तो हुआ नहीं, हमें बन रही हुए तो मेरे को गाड़ी है कोई बिजी है माना ये बच्चा ना पढ़ाने वास्ते तो सोभी तो कुछ कहीं नहीं है। तो हम मार देखो गरीबान लोग की माना अच्छी तरह स्कूल बन जाओ है तो आएंगी दिल खुश हो जाएगा। दो साल गया है। दो साल गाय मारे चल रही है तो मैं कैसे कर सका दीदी? आज आपको मैं बोल रहा हूँ तो माना है कि ये जगह स्कूल बनाओ नहीं जरूरी है तो माना सोभी तो दियो बना दो कोणी पौधा कुछ कहीं नहीं है। हेडपंप माता रे तो घरे हेडपंप नहीं है, टंकिया पानी ढोड़ा वो पिया दिक्कत है। हाँ दिक्कत में पूरी बुढ़िया ही माँ आई पेल सुई ये आई आएगी अकेली बैठी थी, होते होते धीरे 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 मारो इतना गांव ढाणी बन गई, शिवपुरा बनाया नाम। तो मेरे सोभी तो करे सरकार में माई सरकार जी मांग तो मान आएगी सरकार जी दे लेनी है अभी तुम्हें की कर सका अनपढ़िया हूँ लिखा पढ़िया मार देखो ये बुजुर्ग सही बच्चा अभी जा पत्थर खंडी है इसकी मकान बना हुआ है कोई तो वो वही की माना है कि ये परेशानी में है तो लोग के आ रहे हैं तो नाम दिया दे दिए समस्या सर दे आप देख रहा हो घर बच्चा भी परेशान है और कोई पानी वगैरह कुछ नहीं है होली भी जी बनी नहीं है। स्कूल के बारे में आ था जोड़ कर माना सरकार जो सभी को दे सके तुम्हारा बच्चा परेशान आप देख रहे हो ये धूप है ये जाली छाव क्या हुआ आप पंखा नहीं चाहे परेशान तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे को सरकार दे सकती है तो मेरे हाथा जोड़ी है मेरे बच्चों के साथ कर यहाँ बैठा है यहाँ पे पानी भी नहीं है घर पे आते हैं पानी पीने। इसके बाद आपसे देख रहा हूँ मेरे स्कूल की जरूरत है सर दे दो गवर्नमेंट को आप बोल रहे। मेरा नाम रामू है मैं L1 से हूँ। 30 सितम्बर 2023 की मेरी ज्वाइनिंग है। जब मैंने ज्वाइनिंग की थी तब नामक लगभग 22 के आसपास था तो 3-4 नामांकन और बढ़ा लिए। तब तक तो हम किसी के घर पे स्कूल चला रहे थे तो घर पे चला रहे थे 2-3 महीने कंटिन्यू वहीं पे चलाई। वहाँ पे चलाने के बाद उन्होंने बोला कि हमारे घर का वो खाली करवाना है तो ऊपर से छत बनानी है। उन्होंने बोल दिया कि वहाँ खाली कर दो। फिर 2-3 महीने के बाद 2 महीने से कंटिन्यू हम यहीं पे पढ़ा रहे हैं। 5-7 दिन तो हमने धूप में पढ़ाया क्योंकि बिना छप्पर के ऐसे ही धूप में। फिर गांव वालों की मदद से थोड़ा कुछ ये बना उसके बाद से कंटिन्यू क्लास यहीं लग रही है। छप्पर के नीचे कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो होती है एक लेडीज के लिए, इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को टॉयलेट के लिए होती है क्योंकि यहाँ से जाके मैं वहां जाती हूँ 1 घंटे के लिए। लगभग मेरे अगर 2 स्टाफ होते थे तब तो एक संभालता था दूसरा वहां जाके फ्री होके आ जाते, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल स्टाफ फिर चलती क्लास में बच्चों को छोड़ के जाके मैं वहां से वापस आऊंगी मेरे 15-20 मिनट हो जाते। पीने के पानी की मैं अपने घर से बोतल लाती हूँ, एक ही बोतल से काम चलाती हूँ क्योंकि वापस जाना पड़ता है। बच्चों के लिए मटकी में भर के लाती हूँ आते टाइम और फिर एक मटकी यहाँ से भर के लाते हैं फिर इसी से काम हो जाता है और बच्चे अपनी बोतल। पोशार बनता है किसी के घर पे क्योंकि यहाँ पे लाना दे इतना पानी भी हर चीज की प्रॉब्लम होती है तो इनको घर भेजते हैं उनके यहाँ से आधा किलोमीटर दूर घर जाते हैं फिर वहाँ पे खाना खा के फिर वापस आते हैं। बच्चे शिकायत नहीं करते स्कूल के नाम पे आए थे आप बच्चे क्या और किसी को शिकायत है बच्चों को हमको स्कूल तो वही नामांकन भी अच्छा खासा देख लो बच्चों का लेवल भी बढ़िया है। पिछले 6 महीनों से बच्चों को आ भी काफी कुछ रहा है लेकिन स्कूल की क्या समस्या है वो प्रशासन ही जाने क्योंकि इतने नामांकन के बावजूद भी स्कूल में ये है कि 30 पे 1 टीचर होना चाहिए। और कहाँ से? मैं यहीं से हूँ दरुड़ा से बेसिकली मैं यहीं की हूँ लोकल। तो जिस वक्त ज्वाइनिंग हुई थी आपकी उस वक्त ड्रीम होता था स्कूल में रुचि लगी? तो ड्रीम तो सबका होता है मेरा जब ज्वाइनिंग हुई उस टाइम मुझे बोला गया कि शिवपुरा मुली है और ससुराल से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है तो उस टाइम मैंने सोचा कि स्कूल बनी हुई होगी लेकिन यहाँ गुडीसर में गए तब बोला कि यहीं पे आप ज्वाइनिंग करो। मैंने बोला यहाँ पे ज्वाइनिंग क्यों करी मैंने तो शिवपुरा स्कूल मांगी थी वहाँ पे स्कूल नहीं है आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो। मैंने वहाँ ज्वाइनिंग नहीं की मैंने कहा नहीं जहाँ पे रूम है सपरा है कुछ भी वहाँ जाके ज्वाइन तो करूँ मुझे पता तो चले कि मैंने काम मंजिल तय की है। अब इस छपरे के नीचे स्कूल चल रहा है कार्यालय कहाँ है? मेरा कार्यालय यही साथ में ही चलता है रजिस्टर्स वगैरह ये रहे आप देख सकते हैं मैं साथ में लाती हूँ और अटेंडेंस वगैरह यहाँ करती हूँ बाकी सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और बच्चे कितने हैं पोस्टर कितना होता है मुझे पता है तो मैं यहीं से ऑनलाइन फीड कर लेती हूँ। तकलीफ तो होती है आप देख रहे हो यहाँ पे इतनी से छप्पर में इतने बच्चों को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है।
और फिर यहाँ से अप डाउन करना सबसे बड़ी ये दिक्कत रहती है। स्कूटी वहाँ छोड़नी पड़ती है, फिर वहाँ से यहाँ पैदल आना पड़ता है और पानी भी खुद भर के लाना पड़ता है, दरी कुर्सी। या आधा घंटा मेरा इस प्रोसेस में लगता है। और घर वाले शिकायत करते हैं कि सारे टीचर सब जो आते हैं 1:30 बजे घर पहुंचते हैं, मैं 2 बजे पहुंचती हूँ, क्योंकि मेरा ये सारा समेट के यहाँ पे मैं खुला छोड़ नहीं सकती, इसको वापस उस रूम में रखवाना पड़ता है, वहां रखने के बाद यहाँ आना पड़ता है। गोपाराम नाम है साहब। ये क्या हालात है स्कूल छपरे के? क्या करें साहब, ये प्रशासन कोई देते नहीं ध्यान। हम तो बार बार, या तो 15 तहसीलदार चेंज हो गए और 10 तो पटवारी चेंज हो गए, सबको देते रहते, वो उनके पास रहता कागज, कोई नहीं आता, नहीं कोई नहीं करता, अभी कर देंगे अभी कर देंगे, ऐसे करके ये 2 साल हो गया है। 2 साल का ये बच्चा की हाल, बीच में तो एक हमारे वो आवास आया हुआ था भाई का, तो वहाँ बच्चा पढ़ रहे थे, उन्होंने अभी सर्दियों मौके उसमें के मैं प्लास्टर करवा रहे हूँ, खाली करवा दिया, उसके बाद भी ये देख लो ये बच्चा। ये जमीन गवर्नमेंट की जमीन, गाँव वाला सारा इकट्ठा होके पहले तो वो कोई कास्ट कर रखी है मुसलमान के, हम बनने नहीं देंगे, लेकिन वो छोड़ के भाई तुम जितनी तुम्हारी है उतनी छोड़ो, उसके बाद में तो ये पूरी गवर्नमेंट जिमी है 5 बीघा, लोग तो पट्टा सूद में दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट की जिमी, स्कूल नहीं बना दे, या कोई किसी का कोई खेत वगैरह दिए, वैसे कोई यहाँ नहीं बढ़ने देंगे, वो चला उसके बाद में अभी यहाँ आके वन छपरा बनाया, अब ये जिमी कटवानी है, जो पटवारी को कागज दे दिया है, अब वो कोई जवाब दे नहीं। दिक्कतें तो बहुत होती है बच्चों को, तो सब ये देख लो, पानी का ही परेशानी, बच्चा ये बैठने में सारे परेशानी है, खेलने में अब 1.5 घंटा की रेस्ट मिलती है तो बच्चा कहाँ खेले, पूरी परेशानी। अब देख लो ये तावड़े में बैठे बच्चे और सारे बरसात आ जाएगी तो फिर ये क्या होगा बच्चा का, किताबा वगैरह ये कैसे बचा पाएगी, और गाँव वाला तो कई बार है जो विनती कर रही है, सरकार कोई सुन नहीं रही है, जो भी आए जिसको 2-4 दिन रहे वो तो चला गया साहब, 2 साल से कोई ध्यान नहीं रख रहे साहब।